हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 एनवायरनमेंट। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन ही नोटिस दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप। तो जब बहुत समय बाद वो गर्मियों की छुट्टियां मनाकर वापस आता है तो रवि स्कूल जाना शुरू होता है दोबारा। तो अब वो देखता है, वो नोटिस करता है जो वो एक प्लेग्राउंड है उसके स्कूल के आगे, उसको डगअप किया जा रहा है उसकी, ठीक है। पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विल मैनी फ्लैट विल बी कंस्ट्रक्टेड। ये तो वो लोग बातें कर रहे थे कि यहाँ पर एक बड़ी सारी बिल्डिंग बनने वाली है, फ्लैट्स बनने वाले हैं यहाँ पर। रवि वाज ऑलमोस्ट इन टीयर। तो रवि तो बस रोने ही वाला था, उसको तो आंखों में आंसू आने ही वाले थे। व्हेन ही रियलाइज दैट द बिग प्लेग्राउंड विद इट्स अ सॉफ्ट ग्रास मैरीगोल्ड्स एंड बटरफ्लाइज इट्स गोन फॉर एवर। तो क्या जी, वो तो उसको रोना इसलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ पे वो खेलता था, वो सोचता था वो इतना सॉफ्ट सॉफ्ट ग्रास, ये कितनी अच्छी अच्छी बटरफ्लाइज होती थी, ये वो सभी हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएंगी। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विद हिज, तो अपने जो क्लासमेट्स होते हैं उनके साथ वो अपनी फीलिंग शेयर करता है। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व, तो क्या वो भी उसको ऑब्जर्व करते हैं, प्रिंसिपल ऑब्जर्व करती हैं, सी हाउ आर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग। तो दे बताते हैं कि कैसे हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज़ द इन्वायरमेंट। तो उसकी जो टीचर है, टीचर भी इसको टीचर से पूछता है रवि के मैम इन्वायरमेंट होता क्या है। वाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स, तो उसकी टीचर बोलते हैं जो भी आप अपने आस पास देखते हो वही इन्वायरमेंट है। रवि थॉट अलाउड, तो वो सोचता है दैट मीन द स्कूल बिल्डिंग टेबल चेयर इन द क्लासरूम इवन द ओपन फील्ड एंड द रोड द गार्बेज माई फ्रेंड ऑल द पार्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। तो फिर बोलता है इसका मतलब ये है कि जो हमारी ये स्कूल बिल्डिंग है, ये क्लास है, ये चेयर है, ये जो ओपन फील्ड होते हैं, ये कूड़ा करकट होता है मेरे फ्रेंड, ये सभी इन्वायरमेंट है। ये सेड द टीचर, उसके टीचर बोलते हैं हाँ बट वेट, मगर वेट करिए, सम ऑब्जेक्ट्स लाइक क्रिएटेड बाई नेचर। तो बहुत से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो नेचर ने क्रिएट किए होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स। बहुत से ऐसे भी होते हैं जो पीपल्स ने क्रिएट किए हैं, जैसे कि रोड्स, कार्स, क्लोथ्स एंड बुक्स, ये ह्यूमन क्रिएटेड है ना। नाउ वर्क इन पेयर, तो इनको अब पेयर में बात करो, ठीक है। वर्क इन पेयर यानी कि दो जोड़ों में बात करेंगे। मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ द नेचर एंड द ह्यूमन बींग। तो आप दिस इज़ योर होम असाइनमेंट दैट, तो आप अपने भाई बहन के साथ घर में जब अपने मम्मी पापा के साथ देख के अपना पाँच जोड़े बनाने हैं आपने, तो देखना है भी ह्यूमन मेड कौन कौन से हैं थिंग्स और मैन नेचुरल कौन कौन सी उसके अपने बनाने हैं। तो ये क्या है, इन्वायरमेंट इज आर अ बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इन्वायरमेंट हमारा बेसिक सपोर्ट सिस्टम है लाइफ का। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रेथ, ये हमें एयर देता है जिसमें हम सांस लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, वो पानी जिसको हम पीते हैं। द फूड वी ईट, वो खाना जिसको हम खाते हैं। एंड द लैंड एयर वी लिव, वो वाली ज़मीन जिस पर हम रहते हैं। हाउ डू ह्यूमन बिलोंग मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट, तो कैसे ये जो इंसान है वो इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहा है, इसमें चेंज कर रहा है। द कार फ्यूम्स प्ल्यूट द एयर, जो कार है इसकी जो फ्यूम्स हैं वो इसका धुआं है वो प्ल्यूट करता है एयर को। वाटर इज कलेक्टेड इन द पॉट, जो वाटर है इसको पॉट में कलेक्ट किया जाता है। फूड इज सर्व्ड इन द वेसल, जो फूड है इसको वेसल में हम सर्व करते हैं। लैंड इज यूज टू बिल्ड अ फैक्ट्री, तो लैंड पे बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, फैक्ट्रीज बनाई जाती हैं। ह्यूमन बींग मेक कार्स, ह्यूमन बींग्स ने कार्स बनाई हैं, मिल्स बनाई हैं, फैक्ट्रीज बनाई हैं, मैनुफैक्चरिंग कंटेनर्स बनाए हैं। दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचर इन्वायरमेंट, इस तरीके से ह्यूमन बींग ने इन्वायरमेंट को चेंज कर दिया है। तो ठीक है, रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, अनु वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट, तो वो बहुत एक्साइटेड हैं। व्हाई इज़ आर इन्वायरमेंट चेंजिंग, तो हमारा इन्वायरमेंट क्यों चेंज हो रहा है, इकबाल पूछता है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आर नीड, वो बोलते हैं क्योंकि ये हमारी नीड है, हमारी ज़रूरत है। दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, तो हमारी ज़रूरत है डे बाई डे बढ़ती ही जा रही है। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग, तो इसीलिए हम मॉडिफाई कर रहे हैं एट टाइम इवन डिस्ट्रॉइंग आर नेचुरल सराउंडिंग, ऐसा समय भी आएगा तो हम बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देंगे हमारी नेचुरल सराउंडिंग को, टीचर रिप्लाई करती है। तो ये ह्यूमन और ये कितना अच्छा ये बताया गया है,
कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के टू कंपोनेंट्स हैं, एक है नेचुरल एक है ह्यूमन। तो नेचुरल में आ जाते हैं एयर वाटर लैंड लिविंग लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, और ह्यूमन मेड में बिल्डिंग्स आ जाते हैं, पार्क्स आ जाते हैं, ब्रिज रोड्स मॉन्यूमेंट्स इंडस्ट्री, ये सारे ह्यूमन मेड हैं। तो क्या जी ह्यूमन्स का क्या ज़रूरत है, क्योंकि इंडिविजुअल ज़रूरत है, फैमिली की ज़रूरत है, कम्युनिटी की ज़रूरत है, रिलीजन के लिए, एजुकेशनल अपना इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिचुएशन के लिए हमें इन कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। तो हमने ये पढ़ लिया है, फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस पीपल थिंग्स नेचुरल नेचर दैट सराउंडेड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एनवायरनमेंट। तो हमने पता चल गया है कि जितना भी जो प्लेस हैं, थिंग्स हैं, पीपल हैं, उस सभी जो हमारे आसपास है उसको एनवायरनमेंट बोलती हैं। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना, ये कम्बिनेशन है नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिना का। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर टू द बोथ बायोटिक एंड बायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, जो इन्वायरमेंट है नेचुरल इन्वायरमेंट है, इसमें दो तरह के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं, एक तो बायोटिक और एक अबायोटिक। बायोटिक एंड अबायोटिक का मतलब भी मैं आपको बताने वाली हूँ। बायोटिक का मतलब क्या होता है, द वर्ल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो वो ऑर्गेनिज्म जिसमें जान होती है, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स। अबायोटिक वो वाले वर्ल्ड जिसमें जान नहीं होती, उनमें जैसे कि लैंड में जान नहीं होती, ठीक है, ये अबायोटिक है। देन ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवील द एक्टिविटीज़ क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बींग, जो ह्यूमन इन्वायरमेंट ये रिवील करता है, रिवील्स करता है जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो क्रिएशन होती हैं और इंटरेक्टिव होती हैं ह्यूमन बींग से, वो सब कुछ। तो ये क्या है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट ये एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर से लिया गया है, इन्वायरनर का मीनिंग होता है नेबरहुड। तो नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में हम देखते हैं, लैंड वाटर एयर प्लांट्स एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट, जो हमारी धरती है, ज़मीन है, पानी है, हवा है, प्लांट्स है, एनिमल, ये सभी मिलकर नेचुरल इन्वायरमेंट बनाते हैं। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ अ लिथोस्फीयर, आपने लिथोस्फीयर वर्ड सुना ही होगा, हाइड्रोस्फीयर सुना होगा, एटमोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये प्रीवियस क्लास में आपने सुना होगा। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम और अच्छे से इन डोमेन्स के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। लिथोस्फीयर इज अ सॉलिड क्रस्ट और अ लैंड टॉप ऑफ द लेयर ऑफ अर्थ, जो हमारी अर्थ का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, जो मतलब हार्ड है, स्टोन वाला है, ठीक है, क्रस्ट है, सॉलिड है, उसको लिथोस्फीयर बोला जाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स मिनरल्स एंड अ कर्व्ड विद अ थिन लेयर ऑफ सॉयल, तो ये रॉक्स और मिनरल्स से भी मिलके बनी है ये लेयर, और ये इसमें सॉयल है, मिट्टी है। इट इज़ अ इट इज़ इरेगुलर सर्फेस विद अ वेरियस लैंडफॉर्म सच एज अ माउंटेन प्लेटू प्लेन्स वैली एट्सेट्रा, यानी कि इसमें अलग अलग लैंड फॉर्म्स हैं, कहीं पे माउंटेन है, पर्वत हैं, कहीं पे प्लेटूज हैं, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे वैली हैं, घाटियां हैं, ये सब कुछ है। लैंड फॉर्म्स आर फॉर्म्ड ओवर अ कॉन्टिनेंटल्स एंड ऑल्सो द ओशन फ्लोर्स, ये क्यों, ये ना हमें अलग अलग कॉन्टिनेंट्स और ओशन फ्लोर्स में अलग अलग लैंड फॉर्म हमें मिलते हैं। ओके, लैंड पे भी जिनके जो ओशन में भी फ्लोर होते हैं, जो समुद्र होते हैं उसमें के फ्लोर में भी हमें अलग अलग लैंड फॉर्म मिलते हैं। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट grasslands for grazing, land for agriculture and human settlement, तो लिथोस्फीयर से हमें डोमेन्स मिलते हैं, एक तो फॉरेस्ट मिलते हैं और grassland मिलते हैं grazing के लिए, चराने के लिए जानवरों को, पशुओं को, घरेलू डोमेस्टिक एनिमल्स को। लैंड से हमें, लैंड पे हम ह्यूमन सेटलमेंट करते हैं और एग्रीकल्चर की जाती है। इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ ए मिनरल वेल्थ, मिनरल्स भी हमें बहुत ज़्यादा लिथोस्फीयर से ही मिलते हैं। तो ये लुक एट योर सराउंडिंग, मेक अ लिस्ट ऑफ यूजेस दैट द है लैंड इन योर नेबरहुड इज बींग पुट ऑन, तो क्या क्या यूज़ करते हैं हम लैंड का, वो आप अपने आप बताओगे, यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। तो ये क्या है, वेयर डज द वाटर यू यूज इन योर होम एंड स्कूल कम फ्रॉम, तो जो वाटर आप यूज करते हो अपने घर में और स्कूल में वो कहाँ से आता है। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट यूज ऑफ अ वाटर इन आवर डेली लाइफ, तो डेली लाइफ में क्या क्या यूज करते हैं हम वाटर के, वो बतानी है। हैव यू सीन एनीवन वेस्टिंग वाटर, क्या आपने कभी किसी को देखा है पानी को कैसे वो वेस्ट करता है और कैसे करता है वो वेस्ट। तो ये देख रहे हो ना, ये कितनी अच्छी ये पिक्चर है, इसमें समझाया गया है। तो ये देखो, आप देख सकते हो, ये एटमोसफियर जिस
जिसमें हवा होती है, बायोस्फीयर जिसमें ये जानवर वगैरह होते हैं, हाइड्रोस्फीयर पानी वाले को, लिथोस्फीयर जहाँ पे ये हम रहते हैं उसको लिथोस्फीयर बोला जाता है। ये डोमेन्स हैं सभी इन्वायरमेंट के। द डोमेन्स ऑफ द वाटर इज रेफर टू अ हाइड्रोस्फीयर, उस डोमेन को यहाँ पे पानी है उसको हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है। इट कंप्राइज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज लाइक अ रिवर, लेक, सीज, ओशियन एट्सेट्रा। तो इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वाटर बॉडीज हैं जिसमें रिवर हैं, लेक हैं, सीज हैं, ओशियंस हैं। इट इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए। तो उसके बाद आ जाते हैं हम एटमोसफियर के ऊपर। एटमोसफियर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर, ये एक पतली सी लेयर है हवा की, एंड सराउंडिंग द अर्थ, जो अर्थ के इर्द गिर्द है। द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स एटमोसफियर राउंड इट, तो हमारी अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हम इस हवा को अपनी तरफ होल्ड करके रखती है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेजेस एंड अस स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन। ये जो ब्लैंकेट है, ये जो एयर है, ये जो लेयर है, ये हमें बचाती है जो हार्मफुल रेजेस होती हैं, स्क्रॉचिंग हीट, सन से जो हानिकारक किरणें आती हैं उनसे ये हमें बचाती है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, इस एटमॉस्फेयर में हवा में बहुत सी गैसेस होती हैं, डस्ट होती है, वाटर वेपर होते हैं। द चेंजेस ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस द चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट, ये जो चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में इससे वेदर और जो क्लाइमेट में चेंजेस आते रहते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक्स बायोस्फीयर, जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं इन दोनों से मिलकर बनता है बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड, और जिसको हम लिविंग वर्ल्ड भी बोल सकते हैं। इट इज़ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, तो ये सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं ये लाइफ को सपोर्ट करने के लिए हेल्प करती हैं। आगे हम देखने वाले हैं, ये हमारा रह गया था ऑब्जर्व द स्काई व्हाइल कमिंग टू स्कूल, जब स्कूल में जाते हो तो अपना आसमान को ऑब्जर्व करना। मेक अ नोट वेदर द डे इज क्लाउडी, तो अपने देखना है कि ये जो आसमान है वो क्लाउडी है, रेनी है, सनी है, जो फॉगी है। तो ये दिस इज़ योर ऑल्सो होमवर्क। देन ये हम देखते हैं इको सिस्टम के बारे में देखते हैं, वाट इज इको सिस्टम। यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है इको सिस्टम क्या होता है। इट इज़ सिस्टम फॉर्म्ड बाई अ इंटरेक्शन ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, ऑल लिंकिंग बाय द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी एंड मटीरियल। जो इको सिस्टम होता है ये फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है, इंटरेक्शन किस किस के बीच में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आपस में जो भी उनका इंटरेक्शन होता है, फिजिकल केमिकल फैक्टर में जो इंटरेक्शन होता है इन्वायरमेंट में है, जो जब इन्वायरमेंट में रहते हैं वो उनको लिंक्ड किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है एनर्जी और मटेरियल, वो सभी इकोसिस्टम कहलाता है। और ये देखते हैं इकोसिस्टम। At an NCC camp that Ravi's class was attending, तो रवि क्लास अटेंड कर रहे थे NCC की क्लास। Jesse exclaimed, "What is a heavy downpour?" तो वो बोले वो कितनी ज़्यादा downpour हो रही है। It reminds me that my home is in Kerala. तो उसको याद आता है कि जो मेरा घर है उसको रिमाइंड आता है कि उसका जो घर है वो केरला में है। You should come and see how it is pours over the lush green field and a coconut plantation. तो वो देखते हैं कैसे वो pour हो जाता है, यानी कि डाउन पोर, यानी कि एक तरीके से बारिश हो जाती है, और वहाँ पे क्या जी कोकोनट्स के ट्रीज होते हैं वहाँ पे। हीरा फ्रॉम अ जैसलमेर एक्सक्लेम, जो जैसलमेर से आई हीरा, वी गेट नो रेन्स, वो बोलता है भाई हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी रेन नहीं होती, वी सी ओनली कीकर, वहाँ पे सिर्फ कीकर और सैंड ही हमें देखने को मिलती है। एज फार एज आईज कैन सी, जहाँ तक भी नजरें जाएँ तो आपको वहाँ पे कीकर के दरख्त, जहाँ तो आपको सैंड ही दिखेगी। बट यू ऑल्सो फाइंड अ कैमल्स, तो मगर रवि बोलता है अब हमें वहाँ पे कैमल भी तो देखने को मिलेंगे, ऊँट भी तो देखने को मिल सकते हैं। यस, रेगिस्तान में ऊँट पाए जाते हैं। तो स्केच और ब्रिंग अ फोटोग्राफ of your place like the students in your story, तो ये आप अपने जो जिस सराउंडिंग में रहते हो उसके बारे में आप स्केच कर सकती हो। हीरा सेज, नॉट जस्ट कैमल्स, इफ यू विजिट यू आर डेजर्ट यू विल सी स्नेक्स, लेजर्ड्स एंड मैन इंसेक्ट्स टू, तो अकेले वहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ऊँट ही मिलने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत से स्नेक्स जैसे छिपकलियाँ होगी, सांप हो गए, इंसेक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। रवि वांडर्ड, वो हैरान रह जाता है, वाह टू द एनिमल्स
वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो रवि बहुत हैरान हो जाता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ये एनिमल्स भी अलग अलग होते हैं, वेजिटेशन भी अलग अलग होती है, ये क्यों होता है? आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर? क्या इनमें कुछ रिलेशन है? क्या इसमें कुछ खास रिलेशन है इन दोनों में? क्या कहीं पर कुछ अलग है, कहीं कुछ अलग है? ओ यस वेरी मच सो, टीचर बोलती है हाँ बहुत है, यस है. ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग. तो जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग हैं, वो अपने सराउंडिंग पे डिपेंड करते हैं. ऑफन दे आर ऑल्सो इंटर डिपेंडेंट ऑन ईचर. वो इंटर डिपेंडेंट हैं, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अ रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम. तो इन्हीं रिलेशन को, जो इनका इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो रिलेशन है और इनकी सराउंडिंग को ही इकोसिस्टम बोला जाता है. देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ अ लार्ज रेन फॉरेस्ट. लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशन, इवन अ स्मॉल पॉन्ड, इनमें भी ये क्या है जी, ये एक इकोसिस्टम होता है इनमें भी. डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम? क्या जो रवि का जो वो जो पार्क जिसके से वो जिसके ख़त्म होने से वो दुखी हो रहा है, क्या उसमें भी इकोसिस्टम है? बताइए आप, ये आपका काम है. ओके तो ये बताइए, डू यू नो मे, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑन 5th June एवरी ईयर द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड. हर एक साल 5 June को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम इज अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी. बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें पैसा नहीं, अगर हमने आपसे कोई चीज़ ली तो मैं आप आज हम क्या करते हैं, आप मेरे से कुछ चीज़ लोगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा. मगर पहले क्या होता था, आप मेरे को चीज़ों में आपको चीज़ों को चीज़ बदले चीज़ दी जाती थी, ऐसा नहीं था, मनी नहीं थी. तो ये अब हम देखने वाले हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में. ह्यूमन बींग इंट्रैक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड. जो ह्यूमन बींग है, इंसान है, वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इनको फाइट कर लेते हैं इन्वायरमेंट को अपनी नीड के अकॉर्डिंग. अर्ली ह्यूमन अडेप्ट देमसेल्व्स टू अ नेचुरल सराउंडिंग. जो अर्ली ह्यूमन बीइंग थे वो जो अपनी सराउंडिंग है उसके साथ ही वो अडेप्ट कर लेते, अपने आप को वैसा ही बना लेते थे, अपने आप को मॉडिफाई कर लेते थे. दे लेड अ सिंपल लाइफ. वो सिंपल लाइफ बतीत कर रहे थे, जी रहे थे. फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचुरल अराउंड देम. जो भी उनके पास जो उनकी ज़रूरतें थी, वो जो आसपास जो भी सामान है उससे अवेलेबल था उससे ही फुलफिल कर लेते थे. विद टाइम इट्स ग्रो एंड बिकम अ मोर वेरीड. तो क्या जी, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो ये और भी वेरीड आते गए, चेंजेस आते गए. ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज इन्वायरमेंट. तो ह्यूमन को नए नए तरीके आने लगे कि कैसे इन्वायरमेंट को यूज़ करना है, कैसे इसको हम चेंज कर सकते हैं. दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स. तो उसने क्रॉप्स को उगाना सीख लिया, डोमेस्टिकेट करना सीख लिया एनिमल्स को, और सेटल हो गए, रहने लगे वो एक ही प्लेस पे. द व्हील वॉज इन्वेंटेड. व्हील को इन्वेंट किया गया, पहिए को इन्वेंट किया गया. सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस. सरप्लस फूड्स को प्रोड्यूस किया जाने लगा. बार्टर सिस्टम एमर्ज हुआ. बार्टर सिस्टम के बारे में बता ही चुकी हूँ, ठीक है. ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड. ट्रेड स्टार्ट होता है, व्यापार स्टार्ट होता है, कॉमर्स डेवलप होता है. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, एनेबल लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन होने लगी. ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगा. इंफॉर्मेशन में रेवोल्यूशन आया. कम्युनिकेशन आप इजीली कर सकते हो, बहुत स्पीड से कर सकते हो वर्ल्ड के किसी भी कोने में. हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन अ समर? क्या आपको पता है, आप गर्मियों में जूस वाला जो वाटरमेलन तरबूज होता है वो आपको अच्छा लगता है, और हॉट रोस्टेड पीनट आपको अच्छे लगते हैं विंटर में. अ परफेक्ट बैलेंस इज अ नेसेसिटी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट. क्योंकि ये ज़रूरी होता है, ये परफेक्ट बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट में. ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन अ हारमोनियस वे. तो ह्यूमन को ये सीखना होगा कि कैसे हमने एनवायरनमेंट को यूज़ करना है, मगर यूज़ कैसे करना है हारमोनियस वे से, जिससे यानी कि नुकसान ना हो ना तो एनवायरनमेंट को ना तो खुद को, है ना. नूरिया गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम अ रविस क्लास ऑफन टॉक्स अबाउट देयर लश
ग्रीन सराउंडिंग ऑफ अर प्लेस। तो जो नूरी है, एक गर्ल है जो मिजोरम से है, वो रवि की क्लासमेट है, वो अक्सर बात करती रहती है ग्रीन सराउंडिंग के बारे में जो उसके आसपास है। सीइंग रवि अपसेट एज अ हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड, तो मगर जो रवि है वो अपसेट है कि उसका जो प्लेग्राउंड है वो अब लॉस्ट हो जाएगा। नूरी इन्वाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वकेशन, तो नूरी उसको इन्वाइट करती है कि जो अब वकेशन आएंगे तो आप हमारे यहाँ पर आ जाना वकेशन पे। रवीज टीचर आस्क्ड द टीचर टू ड्रॉ द लैंडस्केप, तो रवि की जो टीचर है उसको सभी को बोलते हैं कि आप एक लैंडस्केप का को ड्रॉ करोगे। हाउसेज एंड एक्टिविटीज ऑफ द पीपल एंड प्लेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडे, जो आप छुट्टियों में अपने हॉलीडेज पे जो जो प्लेसेस पे गए थे वहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते थे लोग, उन सब के बारे में आप एक पिक्चर ड्रॉ करोगे। दिस इज़ योर वर्क ऑल्सो, यू नो यू कैन कमेंट एंड यू कैन मेल मी, यू नो आप मेरे को मेल भी कर सकते हो इसकी पिक्चर बनाकर, पेंटिंग बनाकर। उसके बाद आपके लिए हम कंपटीशन भी कोई शुरू कर सकते हैं। तो मैं, मेरी ईमेल आईडी है nazmanoor1234@gmail.com। ये हमारा जो चैप्टर है ये हो गया है कंप्लीट। तो ये भी हम लेट्स डू में कर लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉक टू सम एल्डरली पर्सन इन योर नेबरहुड एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट, तो आप अपने जो नेबरहुड में, अपने पड़ोस में जो भी नेबरहुड है उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो अबाउट द ट्रीज इन हिज और हर नेबरहुड व्हेन शी और हिज वाज योर एज, तो उनसे पूछो कि जब आप हमारी एज के थे, इतने छोटे थे, तो आपके समय में आपके नेबरहुड में कौन कौन से पेड़ हुआ करते थे। द इंडोर गेम्स ही और शी प्लेड, तो वो इंडोर यानी कि घर के अंदर जो खेली जाने वाली कौन कौन सी गेम खेलते थे। हिज और हर फेवरेट फ्रूट एट योर एज, तो वो उनकी एज में यानी कि हमारी एज के बराबर जब वो थे तो उनका फेवरेट फ्रूट कौन था। हाउ डिड दे मेक देम सेल्फ कम्फर्टेबल ड्यूरिंग द हॉट एंड समर विंटर, तो ये समर के समय और कोल्ड विंटर के समय कैसे वो अपने आप को मैनेज करते। तो ये सभी आप आंसर पूछ सकते हो। अगर फिर भी अगर कोई भी इस चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दूंगी। थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू।